निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जी इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूले। इसके ऊपर एक FIR दर्ज करवाते हैं अभी थाने में। कैसे इसने हाथ कैसे लगाया माइक के, धक्का कैसे दिया इसने? वीडियो ना सीओ साहब को कॉल कर लो, थाना अधिकारी को कॉल कर लो, इस बार नहीं कर रहा थाने कोई लगा काम कर, सुभाष जी को कॉल लगा के लेके जाएंगे। सर ये जो झोला छाप वाले, इन्होंने ग्रामीणों में अपनी पैंट बना रखी है, इन्होंने अपने झोला छाप के कार्य कर रखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने हमारे जो सेक्टर प्रभारी हैं PSC CSC उनको निर्देशित कर रखा है कि अगर आपके एरिया में कोई भी इस तरह की कोई गतिविधि करता है, झोला छाप प्रैक्टिस करता है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनको कार्रवाई के लिए निर्देशित कर रखा है। जैसा कि सर हमको पता है कि इससे जो बिना डिग्री के ये कार्य कर रहे हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य को, ग्रामीणों के स्वास्थ्य को हानि है, उसके बावजूद भी ये अपनी पैठ वहाँ बनाए हुए हैं, इसका कारण? ग्रामीण अगर शिकायत करते हैं तो हमने कार्रवाई भी की है। पहले रामगढ़ में कोई झोला छाप था, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है, उसको जेल भी भेजा है। इसको ग्रामीणों को समझना पड़ेगा कि ऐसे जो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं उन लोगों के पास ही दिखाने नहीं जाएं। हमारे पास हर जगह PSC है, CSC है, डिग्रीधारी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनको ही दिखाएं। मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ। थैंक यू सर। आपका नाम? डॉक्टर धीरज शर्मा, ब्लॉक सीमा चला सर। ठीक है सर। कितने टाइम से चला रखा है? क्या क्लिनिक? बहुत दिन से। हाँ कितने दिन से चल रहा है? कितने दिन से चला रहे हो क्लिनिक? ये डॉक्टर सब तो बहुत दिन से चला रहे हैं। हाँ क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो जीत है। आप डॉक्टर आपके पास रहते हो? क्या करते हो यहाँ? आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास रहते हैं। तो डॉक्टर साहब को बुलाओ फोन करके, कहा है ये दुकान को खोल के, ये मेडिकल को खोल के कैसे गायब हो रहे हैं? किस किस का करके आया तो फिर मेरे पास आया। क्या करके? ये तो रामगढ़ में 50 है।